दोस्तों अक्टूबर का मंथ भी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होने वाला है, लेकिन ब्लम एयरड्रॉप का टोकन अभी भी यहाँ पे लिस्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसी न्यूज आई है भाई, जिसको देखने के बाद कम से कम हम लोगों को इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि ब्लम एयरड्रॉप का जो टोकन है उसकी लिस्टिंग अगला जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है हमारे पास नवम्बर का, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी डेट हो सकती है जिसके अंदर ब्लम का टोकन यहाँ पे लॉन्च हो सकता है बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए आज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि काफी टाइम से यार काफी ज्यादा लोग ब्लम एयरड्रॉप पे काम कर रहे हैं, किसी के पास 15,000 टोकन है, मतलब जो न्यू बंदे हैं, किसी के पास 1,00,000 हो चुके हैं, किसी के पास 20,000 हो चुके हैं, किसी के पास 20,00,000 हो चुके हैं, तो इस कैटेगरी में बंदे हैं। अब उन लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं काफी ज्यादा, और देखते ही देखते ये भी हम लोगों को यकीन है कि ब्लम बाकी एयरड्रॉप की तरह जो पिछले दिनों में फ्लॉप हुए हैं कम से कम ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं करेगा। इसी उम्मीद से भाई आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, जो भी न्यूज आती है मार्केट में आपके सामने मैं रख देता हूं। आज वाली जो न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बट उससे पहले एक गलती यार काफी ज्यादा लोग मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो है ना भाई आपको एयर ड्रॉप जो है ना यहाँ पे नहीं मिल सकता। सबसे पहले जल्दी मैं वो बता देता हूँ, बट उससे पहले एक काम करना, अगर आप लोग आने वाले टाइम में घर बैठ के क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे इस मिरानी गेमर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा होगा। और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो भाई उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ आज से ही। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो अब यहाँ पे भाई जो मैं देख रहा हूँ ना, पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे ब्लम एयरड्रॉप की कम्युनिटी ना भाई काफी स्पीड के साथ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट की जो कम्युनिटी है इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज हो तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उसके टोकन की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत बुरा, और टोकन की प्राइस गिर जाती है। तो यही काम ब्लम के साथ भी होने वाला है जो मुझे लगता है। इसीलिए अब वो क्या करते हैं, जिस भी टोकन की भाई जो कम्युनिटी होती है वो आउट ऑफ द वे जाके भाई इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या हल निकालते हैं, उस एयरड्रॉप की जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है एयरड्रॉप वाले फिर एंड में ये करते हैं कि भाई सिस्टम को ये कमांड देते हैं कि इस बंदे ने अगर छोटा मोटा कोई भी टास्क नहीं पूरा किया, ये कुछ दिन से एक्टिव नहीं है, तो इसको बैन कर दो। ऐसे करते करते मिलियंस में जाके अकाउंट लोगों के वो बैन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी को कम कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, या तो वो डेली पे यहाँ पे डेली टास्क इनके आते हैं ना, वो तो भाई साहब डेली टास्क क्लेम ही नहीं करते। ये जो वीडियोस इनकी वेरीफाई करनी पड़ती है ना, यूट्यूब पे जाके देखनी पड़ती है, कोड हमें वहां से मिलता है, इनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट के लिए ओपन करके ये डेली के जो भी इनके न्यू टास्क आते हैं इनको पूरा किया करो, और उसके बाद ऊपर ये जो कंपेन आती है हो पाए तो इनको भी पूरा कर लिया करो। बिकॉज देखो जिस चीज के ऊपर काम करो तो दिल से करो, नहीं करना तो ना करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से ब्लम से हम लोगों ने उम्मीदें भी बहुत सारी लगा रखी हैं, हम चाहते हैं काम भी ना करना पड़े, तो ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि यार वो टास्क तो यहाँ पे पूरे करते हैं लेकिन असल काम नहीं करते, ये वाली गेम नहीं खेलते, ड्रॉप गेम जो ब्लम की है ना, जिसके अंदर से फिलहाल के लिए जो है ना भाई हम स्क्रीन के ऊपर टैप टैप करके ब्लम के टोकन कमा सकते हैं। ये दिन में 2-3 बार जितने भी आपको टिकट मिलते हैं ना, तो भाई इनको गेम को खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी ना, उस टाइम पे ब्लम की टीम क्या चेक करेगी, सिस्टम को बोलेगी स्नैपशॉट करो। तो जैसे ही वो सिस्टम स्नैपशॉट करेगा तो वो सारी डिटेल आगे रख देगा हर एक बंदे की, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ ना ब्लम के ऊपर, तो वो आगे लेके आएगा उनके के भाई इसके जो ना 50% जो है ना रेफरल से बंदे आए हैं, इसके लिंक से लोगों ने ज्वाइन किया, और 10% इसने डेली के टास्क पूरे किए थे, 20% इसने गेम खेल के इसके टोकन कमाए थे, ऐसे करते करते 100% होना चाहिए। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई जस्ट मैं दोस्तों को इन्वाइट करवाऊंगा, बाकी टास्क कोई पूरा नहीं करूंगा, तो 50% मेरा क्राइटेरिया पूरा होगा, बाकी 50% नहीं होगा, तो इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, एंड में जाके मुझे एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो ये बात जरूरी जानो।
तो अब आई थिंक वीडियो लंबी ना हो जाए तो मुझे कंप्यूटर पे चल के इसकी लिस्टिंग के बारे में जो असल न्यूज है वो आपको दिखानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर एक पोस्ट ओपन है जहाँ पे बताया ये गया है कि लिस्टिंग डेट फॉर ब्लम क्वीन एयरड्रॉप लॉन्च इनसाइड एंड फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन, और नीचे यहाँ पे लिखा है द क्रिप्टो कम्युनिटी हैज बीन। अच्छा, इसका सीधा मतलब मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, क्या इंग्लिश को भाई मारू में, तो इसका कहना यह है कि बहुत ही बेताबी से क्रिप्टो कम्युनिटी ब्लम एयरड्रॉप की लिस्ट ऑफिशियल लिस्टिंग का बेताबी से इंतजार कर रही है, और अच्छी बात यह है कि यह काफी क्लोज है। मतलब जो हम सब लोग है ना वैसे बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इसकी लिस्टिंग काफी क्लोज है। और आगे सुनिए कि विल बी अवेलेबल ऑन मेजर एक्सचेंज, मतलब ये तैयार हो चुका है एकदम से मेजर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए, कब? नवंबर के मंथ में, ठीक है। यहाँ पे नीचे आगे देखिए एंड ऑफ द नवंबर 2024, अभी चल रहा है अक्टूबर। यहाँ पे भाई साहब खोज लगा के ये जो इंफॉर्मेशन बताई गई है ना इसके हिसाब से अभी आगे सुनना मैं आपको बता देता हूँ, तो नवंबर का हमें वेट करना है क्योंकि अक्टूबर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अक्टूबर के अंदर एयरड्रॉप की लिस्टिंग काफी ज्यादा थी इसलिए ब्लम ने डिले कर दिया होगा, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी इसने जो है ना किए हैं इसके अंदर, जैसे डॉक्स के टोकन दिए और इनके इवेंट भी डे बाय डे होते जा रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है लिस्टिंग को थोड़ा डिले किया गया हो। तो चलिए थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है जैसे जैसे ब्लम एयरड्रॉप क्लोज आता जा रहा है तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर जोश बढ़ता जा रहा है, मतलब लोगों में, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हाल ही में जितने भी एयरड्रॉप लॉन्च हुए हैं ब्लम उन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। और जिस तरीके से अभी के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट परफॉर्म कर रही है, मतलब आपको पता है पिछले काफी टाइम से क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही है, तो इस हिसाब से अगर इस टाइम पे ब्लम का टोकन लॉन्च होता है, मार्केट अच्छा सपोर्ट देती है, तो ब्लम का टोकन एक मेजर जो है ना भाई प्राइस के साथ आ सकता है, जो सबको मतलब जो सब लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग भी इसलिए काम करते हैं ना, हमें लगता है कि ब्लम के टोकन की प्राइस जो है ना काफी अच्छी हम लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे देखिए ये वाली जो लाइन है ना ये मेरे दिल को लगी। यहाँ पे बताया ये गया है कि ब्लम के एयरड्रॉप को देखते हुए और इसका यूज केस देखते हुए ऐसा लगता है कि ब्लम के टोकन की जो प्राइस होगी ना वो काफी हाई होगी। यहाँ पे ऐसा अंदाजा कुछ लिखा नहीं है जिसकी मदद से हमें थोड़ा हिंट मिले, लेकिन आगे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि देखो अगर मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करती है तो ब्लम एयरड्रॉप के टोकन की जो प्राइस है 0.05 हो सकती है, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ब्लम का जो इस टाइम पे प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, उसको देखने के बाद लगता है ऐसे है कि ब्लम के टोकन की प्राइस काफ़ी हाई होगी। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि हो सकता है कि ये ऑल्ट क्वीन की कैटेगरी में आए, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कैटिजन पिछले दिनों आपको पता है कि एक एयरड्रॉप लॉन्च हुआ था, उसने टोकन भले ही कम दिए थे लेकिन उसके टोकन की प्राइस ऑलमोस्ट $1 पे चली गई थी। लेकिन मैं भी यही सोच रहा था ब्लम के बारे में, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उतना प्राइस हमें नहीं मिलेगी बिकॉज कम्युनिटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है ब्लम एयरड्रॉप की, इसलिए अब ये बता रहे हैं कि भाई ब्लम के जो टोकन की प्राइस हो सकती है 0.05 हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि 0.01 0.02 ऐसे करके हो सकती है अभी के टाइम पे भी, लेकिन हो सकता है कि रिकॉर्ड ब्रेक लोग इसके ऊपर दोबारा से और भी आ जाएं तो फिर इसके टोकन की प्राइस अगेन कंप्रोमाइज होगी, इससे भी नीचे आएगी जैसा ये लोग बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर 0.05 भी हमें टोकन की प्राइस मिलती है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्राइस ऑफ ब्लम एयरड्रॉप, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी टाइम से ब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास टोकन हो चुके हैं भाई लाखों में, किसी के पास करोड़ों में पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए भाई फिर भी ये प्राइस मिलते हैं तो कितने ज़्यादा लोग लाखपति बन सकते हैं यहाँ से घर बैठ के। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एंड में यही मैसेज दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी को मत छोड़ो और भी जितने रियल एयरड्रॉप हैं वहाँ पर भी काम करो। लेकिन असल बात क्या होनी चाहिए, आप लोग कहाँ पे काम करो भाई, बाइनेंस के ऊपर भी काम करो ताकि डेली का आप लोग वहाँ से $5 से $10 कमा पाएं। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है, वहाँ पे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना।
अच्छा कल मैं वीडियो एक अपलोड करूंगा जहां पे आपको बाइनेंस के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप 10 से 15 डॉलर कमा पाओगे डेली बेसिस पे जैसे हम कमाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी अपडेट के साथ।